दक्षिण ध्रुव जहां आज तक दुनिया नहीं पहुंची थी वहां हम पहुंचे और विक्रम का पराक्रम पूरी दुनिया ने देखा और अब प्रज्ञान पूरी दुनिया को भारत की मेधा प्रतिभा से अवगत करा रहा है और ये भारत की विश्व विजय की उड़ान है। अभी तो सूर्यान से लेकर के और पूरे ब्रह्मांड के रहस्य पूरी दुनिया को देने हैं। यह भारत का अभ्युदय का काल है, अमृत काल है और अपने सनातन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान प्रज्ञान को साथ में लेकर के भारत जिस तरह से नए प्रतिमान घड़ रहा है और भारत की सत्ता की भी नियत, नेतृत्व और नीतियां, एक तरफ राजनीतिक इच्छा शक्ति, दूसरी तरफ वैज्ञानिक इच्छा शक्ति, इन दोनों के समन्वय से जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है उस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं और भारत का चाहे वो बौद्धिक सामर्थ्य है या आर्थिक सामर्थ्य है वह पूरी दुनिया में नित नए प्रतिमान घड़ रहा है और यह आने वाला समय भारत का है। 2047 से पहले ही भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक और आध्यात्मिक महाशक्ति बनेगा और इसमें जो महाराष्ट्र में शिंदे साहब और फडणवीस साहब का जो नेतृत्व है और केंद्र में जो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है वो भारत को महाशक्ति बनाने की दिशा में आगे बढ़ा रहा है।